आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सबको शिक्षा पर। आज हम क्लाउड कंप्यूटिंग क्विज के क्लाउड टाइप्स टू क्विज लेने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी बाउंड्री वैल्यूज एग्जिस्ट इन क्लाउड क्यूब मॉडल। कितने टाइप की सिक्योरिटी बाउंड्री वैल्यू एग्जिस्ट होती है क्लाउड क्यूब मॉडल में? तो ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन 2, 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4, नन ऑफ द मेंशन अबव। तो इसका सही आंसर है 2। There are two types depending upon network firewall. दो टाइप के नेटवर्क फायरवॉल पे डिपेंड होती हैं क्लाउड क्यूब मॉडल पे। क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। नीचे देखे में से एक करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करना है। ऑप्शन ए, अ डिप्लॉयमेंट मॉडल डिफाइंस द पर्पस ऑफ द क्लाउड एंड नेचर ऑफ हाउ द क्लाउड इज लोकेटेड। जो डिप्लॉयमेंट मॉडल होता है वो डिफाइन करता है पर्पज ऑफ द क्लाउड का पर्पज और नेचर ऑफ हाउ द क्लाउड इज लोकेटेड। ऑप्शन बी, सर्विस मॉडल डिफाइंस द पर्पज ऑफ द क्लाउड। सर्विस मॉडल डिफाइन करता है पर्पज ऑफ क्लाउड एंड नेचर ऑफ द क्लाउड इज लोकेटेड। फर्स्ट ऑप्शन में डिप्लॉयमेंट मॉडल था या फिर सर्विस मॉडल। एंड थर्ड में क्लाउड स्क्वेयर मॉडल इज मीन्ट टू शो इज दैट द ट्रेडिशनल नोशन ऑफ ए नेटवर्क बाउंड्री बिंग द नेटवर्क फायरवॉल नो लॉन्गर अप्लाइज इन क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द मेंशन अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1। डिप्लॉयमेंट मॉडल डिफाइंड द पर्पज ऑफ द क्लाउड एंड द नेचर ऑफ हाउ द क्लाउड इज लोकेटेड। तो 4 टाइप्स ऑफ डिप्लॉयमेंट मॉडल एग्जिस्ट होते हैं, लेकिन ये गलत है कि डिप्लॉयमेंट मॉडल डिफाइन द पर्पज ऑफ द क्लाउड एंड नेचर ऑफ हाउ द क्लाउड इज लोकेटेड। वो सर्विस मॉडल डिफाइन करता है पर्पज ऑफ क्लाउड का और नेचर ऑफ द क्लाउड इज लोकेटेड। तो ये सही है कि डिप्लॉय मॉडल डिफाइन करता है कि पर्पज ऑफ द क्लाउड एंड नेचर ऑफ द हाउ द क्लाउड इज लोकेटेड, और सर्विस मॉडल और स्क्वेयर क्लाउड स्क्वेयर मॉडल के जो भी उन्होंने कहा है वो गलत है। तो 4 टाइप्स ऑफ डिप्लॉय मॉडल एग्जिस्ट होते हैं। तो डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या डिफाइन करता है? पर्पज ऑफ द क्लाउड एंड नेचर ऑफ द हाउ द क्लाउड इज लोकेटेड। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोवाइडेड बाय द ओनरशिप डायमेंशन ऑफ क्लाउड क्यूब मॉडल। तो नीचे दिए गए में से कौन प्रोवाइडेड होता है ओनरशिप डायमेंशन ऑफ क्लाउड क्यूब मॉडल से? तो ऑप्शन ए, प्रोप्राइटरी, ऑप्शन बी ओनर, ऑप्शन सी पी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन अबव। प्रोप्राइटरी, बहुत सारे इसके प्रोनाउंसिएशन होते हैं, प्रोप्राइटरी, प्रोप्राइटरी एंड प्रोप्राइटरी, तो अलग अलग, इसलिए आप कन्फ्यूजन ना हो, आप अपने कंफर्टनेस से आप इसे किसी भी तरह से बोल सकते हैं। मैं ज़्यादातर प्रोप्राइटरी ऐसे कहता हूँ, प्रोप्राइटरी, तो ये सही होता है प्रोनाउंसिएशन। तो इसका आंसर है 2, ओनर। पी स्टैंड्स फॉर प्रोप्राइटरी ओनरशिप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोवाइडेड बाय द ओनरशिप डायमेंशन ऑफ क्लाउड क्यूब मॉडल? तो ओनर, ये इसका सही आंसर है। और पी किससे स्टैंड करता है? जहाँ पे सिर्फ पी दिया है वो प्रोप्राइटरी ओनरशिप को स्टैंड करता है, और प्रोप्राइटरी और ऑप्शन 3 दोनों ही गलत है। ओनर इज प्रोवाइडेड बाय ओनरशिप डायमेंशन ऑफ क्लाउड क्यूब मॉडल। पर इसे एक्सप्लेनेशन दिया है एक्सप्लेनेशन में कि पी स्टैंड फॉर प्रोप्राइटरी ओनरशिप, अगर आपको सी ऑप्शन समझ में नहीं आया तो। क्वेश्चन नंबर 4, ब्लैंक इज ए मेजर ऑफ वेदर द ऑपरेशन इज इनसाइड और आउटसाइड द सिक्योरिटी बाउंड्री और नेटवर्क फायरवॉल। तो इनमें से कौन सा एक मेजर किया जाता है वेदर द ऑपरेशन इज इनसाइड और आउटसाइड द सिक्योरिटी बाउंड्री और नेटवर्क फायरवॉल? तो ऑप्शन ए पर, ऑप्शन बी पी, जिसे हम प्रायोरिटी भी कहते हैं, प्रायोरिटी ओनरशिप, ऑप्शन सी प्री एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन अबव। इसका सही आंसर है 4, ऑल ऑफ द मेंशन अबव। फर्स्ट एंड फॉर पेरीमीटराइज्ड, पी स्टैंड फॉर प्रोपेरिटी, जो हमने थर्ड ऑप्शन में, थर्ड क्वेश्चन में देखा था, और यहाँ पे प्री। तो इस तरह से हमने 4 क्वेश्चन खत्म कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट पॉइंट आउट करना है। ऑप्शन ए, पब्लिक क्लाउड में बी मैनेज बाय द कंस्टिट्यूएंट ऑर्गेनाइजेशंस और बाय थर्ड पार्टी। जो पब्लिक क्लाउड होता है वो किससे मैनेज होता है? कंस्टिट्यूएंट ऑर्गेनाइजेशन और बाय थर्ड पार्टी, ऐसा ऑप्शन ए कहता है, और हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है, याद रखिएगा। अ कम्युनिटी क्लाउड में बी मैनेज बाय द कंस्टिट्यूएंट ऑर्गेनाइजेशन और बाय थर्ड पार्टी। पहले ऑप्शन में था पब्लिक क्लाउड, इसमें कम्युनिटी क्लाउड, थर्ड में प्राइवेट क्लाउड्स में बी आइदर
ऑन और ऑफ प्रीमाइसेस। तो इसका सही आंसर है ए। पब्लिक क्लाउड मे बी मैनेज बाय द कॉन्स्टिट्यूट ऑर्गेनाइजेशन और बाय थर्ड पार्टी। तो ये गलत है। द पब्लिक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज अवेलेबल फॉर पब्लिक यूज अल्टरनेटली फॉर ए लार्ज इंडस्ट्री ग्रुप। जो पब्लिक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो अवेलेबल होता है जो पब्लिक यूज के लिए अल्टरनेटली फॉर लार्ज इंडस्ट्री ग्रुप, लार्ज इंडस्ट्री ग्रुप के लिए। तो ये गलत है। और बाकी के जो दो ऑप्शन दो स्टेटमेंट्स वो करेक्ट हैं। कम्युनिटी क्लाउड मे बी मैनेज बाय द कॉन्स्टिट्यूट ऑर्गेनाइजेशन और बाय थर्ड पार्टी। ऑप्शन थर्ड, प्राइवेट क्लाउड्स मे बी आइदर ऑन और ऑफ प्रीमाइसेस। तो ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द सर्विस प्रोवाइडेड बाय क्लाउड। नीचे दिए गए में से कौन सा एक रिलेटेड है सर्विस प्रोवाइडेड क्लाउड से, जो क्लाउड जो सर्विस प्रोवाइड करता है उससे रिलेटेड है। ऑप्शन ए सोर्सिंग, ऑप्शन बी ओनरशिप, ऑप्शन सी रिलायबिलिटी एंड ऑप्शन डी आस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सोर्सिंग। इनसोर्स्ड और आउटसोर्स मीन्स वेदर द सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर और द सर्विस प्रोवाइडर। इसका मतलब ये है कि सोर्सिंग जो होता है वो रिलेटेड होता है क्लाउड से। इनसोर्स और आउटसोर्स मीन्स वेदर द सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर और द सर्विस प्रोवाइडर। इनसोर्स यानी कस्टमर से जो सर्विस प्रोवाइड होती है, और उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर से जो होती है वो आउटसोर्स्ड। तो ये क्वेश्चन हमने ख़त्म कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ब्लैंक डायमेंशन करस्पॉन्ड्स टू द टू डिफरेंट स्टेट्स इन द 8 पॉसिबल क्लाउड फॉर्म्स। नीचे देखो में से कौन सा आंसर ये हमें बता सकता है कि ये डायमेंशन करस्पॉन्ड टू टू डिफरेंट स्टेट्स इन द 8 पॉसिबल क्लाउड फॉर्म्स, जो 8 पॉसिबल क्लाउड फॉर्म्स होते हैं। ऑप्शन ए फिजिकल लोकेशन ऑफ डाटा, ऑप्शन बी ओनरशिप, ऑप्शन सी सिक्योरिटी बाउंड्री एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन अबव। तो इसका सही आंसर है नन ऑफ द मेंशन अबव। द सोर्सिंग डायमेंशन एड्रेसेस द डिलीवरर ऑफ द सर्विस। तो ये तीनों गलत है। फिजिकल लोकेशन ऑफ डाटा, ओनरशिप, सिक्योरिटी बाउंड्री। तो सोर्सिंग डायमेंशन होता है, सोर्सिंग डायमेंशन जो यहाँ पे इसे आंसर होना चाहिए, सोर्सिंग डायमेंशन एड्रेस इज द डिलीवरर ऑफ द सर्विस। तो यह इसका आंसर होना चाहिए सोर्सिंग डायमेंशन करस्पॉन्ड टू टू डिफरेंट स्टेट्स इन द 8 पॉसिबल क्लाउड फॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द ब्लैंक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑपरेटेड फॉर द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। नीचे दिए गए में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है, ये कौन सा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है जो ऑपरेटेड होता है एक्सक्लूसिव यूज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ऑप्शन ए पब्लिक, ऑप्शन बी प्राइवेट, ऑप्शन सी कम्युनिटी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन अबव। तो इसका सही आंसर है प्राइवेट। द प्राइवेट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑपरेटेड फॉर द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। द क्लाउड मे बी मैनेज बाय दैट ऑर्गेनाइजेशन और ए थर्ड पार्टी। जो प्राइवेट क्लाउड होता है वो मैनेज किससे कौन करता है, ऑर्गेनाइजेशन और ए थर्ड पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ब्लैंक क्लाउड इज वन वेयर द क्लाउड हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड टू सर्व ए कॉमन फंक्शन और पर्पस। ये क्लाउड ये सर्विस करता है जो वेयर द क्लाउड हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड टू सर्व अ कॉमन फंक्शन और पर्पस। तो ऑप्शन ए पब्लिक, प्राइवेट, कम्युनिटी, ऑल ऑफ द मेंशन अबव। इसका सही आंसर है कम्युनिटी। क्लाउड इज वन वेयर द क्लाउड हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड टू सर्व अ कॉमन फंक्शन और पर्पस। अ कम्युनिटी क्लाउड मे बी मैनेज बाय द कॉन्स्टिट्यूट ऑर्गेनाइजेशन और बाय थर्ड पार्टी। क्वेश्चन नंबर 10, अ हाइब्रिड क्लाउड कंबाइंस मल्टीपल क्लाउड्स वेयर दोज क्लाउड्स रिटेन देयर यूनिक आइडेंटिटीज बट आर बाउंड टुगेदर एज ए यूनिट। तो हाइब्रिड क्लाउड कंबाइंस करता है मल्टीपल क्लाउड को, वेयर दोज क्लाउड्स रिटेन देयर यूनिक आइडेंटिटीज बट आर बाउंड टुगेदर एज ए यूनिट। तो ऑप्शन ए पब्लिक, ऑप्शन बी ए प्राइवेट, ऑप्शन सी कम्युनिटी एंड ऑप्शन डी हाइब्रिड। तो इसका सही आंसर है हाइब्रिड। अ हाइब्रिड क्लाउड मे ऑफर स्टैंडर्डाइज्ड प्रोप्राइटरी एक्सेस टू डाटा एंड एप्लीकेशंस एज वेल एज एप्लीकेशन पोर्टेबिलिटी। जो हाइब्रिड क्लाउड होता है वो क्या ऑफर करता है, स्टैंडर्डाइज्ड और प्रोप्राइटरी एक्सेस टू डाटा एंड एप्लीकेशंस एज वेल एज एप्लीकेशन पोर्टेबिलिटी को भी वो असेस करने की तैयारी दिखाता है। तो हाइब्रिड जो क्लाउड होता है वो कंबाइंस मल्टीपल क्लाउड्स वेयर दोज क्लाउड्स रिटेन देयर यूनिक आइडेंटिटीज बट आर बाउंड टुगेदर एज यूनिट। और इसी तरह से हमने क्लाउड कंप्यूटिंग क्विज के क्लाउड टाइप्स 2 की क्विज खत्म कर लिए। तो इसी तरह से दोस्तों हमेशा कंसिस्टेंसी बनाए रखें, हमेशा पढ़ाई करते रहें, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारा मोटिवेशन और बढ़ेगा, हम हमेशा कंसिस्टेंस रहेंगे आपके लिए क्विज लाते रहेंगे। धन्यवाद।